फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो औषधि योगों से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस AIA PAGET के फेवरेट क्वेश्चंस रहे हैं, या फिर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मार्क डिसाइड कर लेते हैं या फिर रैंक डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा UPSC या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम हो, उसमें ये अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मेडिसिन से रिलेटेड हैं। तो मैंने कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस छांटने की कोशिश की है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, संजीवनी वटी का घटक द्रव्य है। संजीवनी वटी एक फेमस ड्रग है, इसके घटक द्रव्य में क्या क्या है? वक्षनाव प्लस भल्लातक, भल्लातक प्लस विष तिंदुक, वक्षनाव प्लस विष तिंदुक, वक्षनाव प्लस अहिफेन। तो संजीवनी वटी में हमको ये याद है कि दो प्रकार के विष इसमें उपस्थित होते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वक्षनाव और भल्लातक। ये दो विष संजीवनी मट्टी में उपस्थित होते हैं। और एक और बात इसमें नोट करने लायक है कि इसमें गोमूत्र की भावना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य चरक के अनुसार दंती हरितकी की सेवनीय मात्रा। अब फिर वही बात हो गई, आचार्य का नाम लिख दिया मतलब हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर दंती हरितकी, अगर हमें दंती हरितकी याद है तब भी हमें एक बार और जरूर सोचना है कि क्या आचार्य चरक वाला कुछ याद है हमें या फिर नहीं याद है। तो आचार्य चरक ने दंती हरितकी की सेवनीय मात्रा कुछ बतलाई है या नहीं, उसके बारे में चले देखते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है एक हरितकी और एक पल अवलेह, बी में लिखा है एक पल हरितकी, सी में दो हरितकी, और डी में वर्णित नहीं, मतलब कि सेवनीय मात्रा के बारे में कोई भी ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए, एक हरितकी प्लस एक पल अवलेह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दंत्यासव का प्रयोग किस प्रमेह में लाभकारी है? दंत्यासव औषध है, प्रमेह क्लियरली लिख दिया है कि किस प्रमेह में लाभकारी है। तो वातिक प्रमेह, पैतिक प्रमेह, कफज प्रमेह, बी एंड सी बोथ, मतलब कि पैतिक और कफज प्रमेह दोनों में। तो इसका राइट आंसर है डी, बी और सी, मतलब कि पैतिक और कफज प्रमेह दोनों में ही दंत्यासव का प्रयोग किया जाता है। किस औषध योग का प्रयोग कुष्ठ रोग में निर्दिष्ट है? सिद्धार्थक घृत, सिद्धार्थक तेल, सिद्धार्थक अगर, सिद्धार्थक स्नान। तो इसका राइट आंसर है कुष्ठ में स्नान करते हैं, सिद्धार्थक स्नान। आचार्य चरकानुसार वर्णित कनक बिंदुवारिष्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कनक बिंदुवारिष्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार, तो देखते हैं क्या क्या कथन है। जैसे स्टेटमेंट्स बस टाइम टेकिंग है और हमको माइंड डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज करने के लिए ही रहते हैं, तो विशेष रूप से अलर्ट होकर हमें ध्यान देना है। इसका मुख्य घटक खजूर सार है, एक माह सेवन से महाकुष्ठ नष्ट होता है, एक पक्ष मतलब कि 15 दिन सेवन से क्षुद्र कुष्ठ नष्ट होता है, फोर्थ है अर्श भगंदर में भी लाभकारी है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, चार स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, अब इसमें लिखा है आगे सत्य कथन बतलाइए, अब हमें ट्रू चुनना है इनमें से। इसका मुख्य घटक खजूर सार है, एक माह सेवन से महाकुष्ठ नष्ट होता है, ऑप्शन पहले देख लें क्या है। तो अच्छा, सभी लिखा हुआ है ऑप्शन में, पहले केवल ए फिर बी फिर मतलब ए और बी फिर ए बी सी फिर लास्ट में सभी लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सभी। मुख्य घटक खजूर सार है, कनक नहीं है मतलब धतूरा नहीं है, एक माह सेवन से महाकुष्ठ नष्ट होता है ऐसा बतलाया गया है, और 15 दिन सेवन से क्षुद्र कुष्ठ नाशक है। और इसके श्लोक में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अर्श भगंदर में लाभकारी है, इसके साथ ही है हिक्का काश श्वास और शोष इसमें भी लाभकारी है ना। तो ऐसे लास्ट लाइन वाले श्लोक थोड़े मतलब हार्ड बना देते हैं क्वेश्चंस को, अगर वो हमें अच्छे से याद है लास्ट लाइन तभी हम उसको याद रख पाएंगे। तो इनमें थोड़ा सा रिस्क बाद में लेना है हमें, अगर हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे इनके लिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसका आंसर है फोर्थ, मतलब सभी जवाब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आरोग्यवर्धनी वटी का प्रमाण। आरोग्यवर्धनी वटी का प्रमाण क्या होता है? कोल प्रमाण, राज प्रमाण, करकंधु प्रमाण, बदर प्रमाण। इसका राइट आंसर है राजकोल प्रमाण। आरोग्यवर्धनी वटी का प्रमाण है राजकोल प्रमाण में इसकी वटी बनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भैषज रत्नावली के अनुसार क्षीर वटी का भावना द्रव्य है। तो ये क्वेश्चन मैंने केवल नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग ही डाला है, नॉलेज बढ़ाने के लिए आपका। एक तो भैषज रत्नावली ने क्षीर वटी बतलाया है, आप ये जान लीजिए। क्षीरवटी का रोगाधिकार श्वेथु रोग या फिर शोथ चिकित्सा के अंतर्गत इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। अब उसमें भावना द्रव्य किसकी है? तो क्षीरवटी में भावना होती है विजया की, विजया मतलब भंगा या भांग, तो उसकी भावना होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
त्रिनेत्राख्य रस का भावना द्रव्य है, पुनर्नवारस, गोक्षुरक्वाथ, आर्द्रक स्वरस, धत्तूर पत्रक्वाथ। तो इसका राइट आंसर है आर्द्रक स्वरस। नेक्स्ट हम देखते हैं, आचार्य चरक ने राजयक्ष्मा की चिकित्सा में मूढ़वादानुलोमनम किसके संदर्भ में कहा है। चरक की बात हो रही है, राजयक्ष्मा चिकित्सा प्रकरण है और एक श्लोक का पोर्शन आ गया कि मूढ़वातानुलोमनम। मूढ़वातानुलोमनम कौन से ड्रग के बारे में है? तो शीतोपलादि चूर्ण, तालिशादि चूर्ण, यवानी शादव चूर्ण, नित्य वारुणी मंद सेवन। तो शीतोपलादि चूर्ण तो सुप्त जीवा में है, ये मुझे ध्यान है। तालिशादी चूर्ण, यवानी शादव चूर्ण और नित्य वारुणी मंड सेवन। तो ये लास्ट ऑप्शन तो मैंने आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए डाल दिया है कि राजयक्ष्मा में इन्होंने नित्य वारुणी मंड का सेवन करने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। और मूढ़वातानुलोमनम तालिशादी चूर्ण के लिए कहा गया है कि ये मूढ़वात का अनुलोमन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रहणी कपाट रस का भावना द्रव्य है अजाचीर। नेक्स्ट, आचार्य चरक के अनुसार चित्रकादि गुटिका का भावना द्रव्य। आचार्य चरक ने चित्रकादि गुटिका बतलाई है, इसकी भावना द्रव्य क्या होगी? तो चित्रकादि गुटिका का आप लोगों को ऐसा कुछ कोड पता होगा या फिर कुछ शॉर्ट टर्म की चित्रकादि गुटिका का हमें दाम पूछना रहता है, मतलब कि दाड़िम और मातुलुंग स्वरस की भावना इसमें है चरक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। मातुलुंग दिख रहा है, दाड़िम नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन है मातुलुंग स्वरस, पहला ए ऑप्शन सही है। चलिए, पिबेत अपस्मार कामला ज्वर नाशनम किस औषध योग के संदर्भ में है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो फेमस ड्रग्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई स्पेशल कोटेशन आचार्यों के द्वारा वर्णित है तो वो भी पूछा जाता है। तो पिबेत अपस्मार कामला ज्वर नाशनम किस औषध योग से संबंधित है? पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, वचादि घृत। तो ये पांचों सेम ऑप्शन रखने का मेरा इंटेंशन ये था कि आपको मैं बतला सकूं कि ये जो औषध योग जो पांचों लिखे हुए हैं पांचों का यूज किया जाता है अपस्मार चिकित्सा प्रकरण में, आचार्य चरक ने बतलाया है। और पिपेत अपस्मार कामला ज्वर नाशनम ये कहा गया है पंचगव्य घृत के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वात कुलांतक रस का भावना द्रव्य है जल। ये चरक में वर्णित नहीं है, ये शायद भैषज रत्नाकर का है, जहां तक सॉरी भैषज रत्नावली का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बृहत्वात चिंतामणि रस का भावना द्रव्य है। ऐसे क्योंकि भावना द्रव्य वाले बहुत सारे सवाल आते हैं, या तो ये सही जोड़ी में भी दे सकते हैं इकट्ठे चार पांच ड्रग्स की, या फिर ऐसे सिंगल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बृहत्वात चिंतामणि में किसकी भावना होती है? तो कुमारी स्वरस की भावना होती है। किस औषध योग में जांबीरी नींबू स्वरस की भावना नहीं है? जब भी हाँ या नहीं हो तो हमें विशेष ध्यान रखना है। तो नहीं पूछा है मतलब किसमें भावना नहीं है। मृत संजीवनी वटी में है, आनंद भैरव रस इसमें भी भावना पड़ती है इसकी, मृत्युंजय रस इसमें भी जंबीरी नींबू की भावना है, रत्नगिरी रस में नहीं है। तो राइट आंसर रत्नगिरी रस। रत्नगिरी रस का रोगाधिकार होता है नवज्वर में, इसको प्रयोग करते हैं, जान लीजिए नवज्वर में यूज होता है। और इसमें भावना किसकी है? इसमें भावना होती है भृंगराज स्वरस, भृंगराज स्वरस की भावना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए, निम्न में से किस औषध योग में वचनाभ एक घटक द्रव्य नहीं है? फिर वही पूछा है कि नहीं है और क्या बोल रहे हैं कि वचनाभ किसी एक ऐसा कोई औषध है जिसमें वचनाभ नहीं होता है। आनंद भैरव रस का तो मुझे पता है इसमें है, त्रिभुवन कीर्ति रस इसमें भी है, मृत्युंजय रस इसमें, राइट आंसर है कर्पूर रस, कर्पूर रस में नहीं होता है। नेक्स्ट, लवंगादि वटी के संबंध में सत्य कथन नहीं है। लवंगादि वटी एक बहुत ही वाइडली यूजफुल ड्रग है जो प्रैक्टिस में भी बहुत यूज होता है और हम लोग पढ़ते भी बहुत हैं इसको। तो लवंगादि वटी के बारे में सत्य कथन नहीं है बोल रहे हैं। तो लवंग उपस्थित होता है, मुख्य घटक खदीर सार है, सेवन से आठ घटिका में कास रोग नष्ट होता है, लवंग की भावना होती है। तो कौन सा सत्य कथन नहीं है? डी ऑप्शन सही है, मतलब कि लवंग की भावना इसमें नहीं होती, इसमें तो बबूल तो क्वास की भावना है। ठीक, लवंग प्रेजेंट है, मुख्य घटक खदीर सार है, आठ घटिका से कास रोग नष्ट हो जाता है, ये भी आपके नॉलेज पर्पज के लिए मैंने लगा दिया था। ये तीनों ऑप्शन मतलब सही हैं, ये तीन चीजें होती हैं और भावना इसमें बबूल तो क्वाथ की भावना है, लवंग की भावना नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका हो गया डी।
नेक्स्ट हम देखते हैं बुद्धि स्मृति कर्म च एव बाला नाम च अंग वर्धना नाम, ये नवनीत के लिए भी कहा गया है। अब यहाँ पे औषध, किस औषध के बारे में कहा गया है, तो कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, महापैसाची घृत, प्रपुराण घृत। इसका राइट आंसर है महापैसाचिक घृत। महापैसाचिक घृत के बारे में बोला गया है कि बुद्धि स्मृति कर्म चैव बाला नाम चांग वर्धना नाम। नेक्स्ट, चरकानुसार अष्ट शतारिष्ट का रोगाधिकार। तो ये रोगाधिकार वाले क्वेश्चन से आते हैं, इजी क्वेश्चन है, स्वयथु इसका रोगाधिकार है। अभयारिष्ट में हरित की और आमल की का अनुपात, अभयारिष्ट बहुत ही फेमस ड्रग है, हरित की और अमल की का अनुपात कितना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाया कि आप जान जाएं कि अभयारिष्ट में अभया मतलब हरित की तो है ही, उसके साथ ही अमल की भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका रेशियो कितना है, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1। तो इसका राइट आंसर है 1:2, मतलब कि अगर हरित की एक है तो अमल की दो होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक, हरित की अगर एक भाग है तो अमल की दो भाग होगी, इसी रेशियो में ड्रग्स रहेंगे या फिर जो भी ऑप्शन इसमें लिख दे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से मैंने ये 20 क्वेश्चन छांटे हैं आप लोगों के लिए, जो ड्रग्स के अकॉर्डिंग थोड़े यूजफुल मुझे लगे, तो ये आपका नॉलेज बेस जरूर बढ़ाएगा मुझे उम्मीद है। और अभी के लिए केवल इतना ही, ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए, थैंक यू।